जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आल क्यू पी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों का भी सपना है टीए आर्मी में जॉब करने का, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका आ चुका है। टीए आर्मी में आप लोगों का जो है रैली डेट आ चुका है, जिसका नोटिस भी हमारे पास आया हुआ, आप लोगों को आज स्टूडियो में आप लोगों को जो है इसका नोटिस भी दिखाएंगे, कौन कौन से जोन में कब से रैली स्टार्ट होने वाली है। साथ साथ आप लोगों के हाइट यहां पर क्या मांगा जा रहा है, एज लिमिट क्या मांगा जा रहा है, कितने पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रखा गया है, सारी जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, सारी जानकारी आप लोगों को बताऊँगा, साथ साथ इसका नोटिफिकेशन भी दिखाऊँगा और यह भी बताऊँगा कि आप लोग इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल हमारे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हमारे इस चैनल पर टीए आर्मी से संबंधित संपूर्ण इन्फॉर्मेशन जानने को मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को इसकी वेबसाइट पर, वहाँ से सारी जानकारी दे देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ। बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो नंबर ऑफ पोस्ट में आप लोगों को लगभग जो है 3000 के समथिंग पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसको अलग अलग जो है जोन वाइज अलग किया गया, साथ साथ अलग अलग पोस्ट में भी अलग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पद निकल कर आ रहे हो आप लोग कांस्टेबल, जीडी का, ट्रेड्समैन का, क्लर्क के पोस्ट निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो रहने वाली है आप लोग लास्ट डेट से जो है काउंट किया जाएगा, 18 वर्ष मिनिमम रहेगा, अधिकतम आप लोग 42 वर्ष के हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये छूट केवल जो है आप लोग केवल टेरिटोरियल आर्मी में ही देखने को मिलता है। यह यदि आप लोग किसी सिंपल आर्मी में भर्ती लेना चाहते हैं तो वहाँ पर 18 से लेकर 23 वर्ष, जबकि टीए आर्मी में आप लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 18 से लेकर 42 वर्ष तक आप लोगों को छूट दिया जाता है। इसके अलावा भी जो है गवर्नमेंट रूल को अकॉर्डिंग आप लोगों को ST ST वालों को 3 वर्ष का है, सॉरी ST ST वालों को 5 वर्ष का, OBC वालों को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ठीक है, अप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर कोई भी आप लोगों से अप्लीकेशन फीस नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री में आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप लोगों को GD साथ ही साथ ट्रेड्समैन के लिए आप लोगों को सिंपली 10वीं पास मांगा गया है। क्लर्क पोस्ट में आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोगों से 12वीं पास, साथ साथ आप लोगों से टाइपिंग टेस्ट भी मांगा जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं स्टेट वाइज जोन को कैसे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जोन 1 में आप लोगों को जो रहने वाले हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड यूनियन ऑफ टेरिटोरियल ऑफ दिल्ली चंडीगढ़ के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जोन 1 में आते हैं। ठीक है, यदि आप लोग जो है इन जगहों से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को जोन 1 में अप्लाई करना होगा। और जो है यह बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट जो आए हैं वो जोन 2 वैकेंसी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जोन 3 के लिए जो है यहाँ पर जो है असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड अंडमान निकोबार के जो है जो स्टूडेंट हैं वो लोग जोन 3 में अप्लाई करेंगे। और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका एंड यूनियन टेरिटोरियल ऑफ दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, लक्षद्वीप एंड पांडुचेरी के जो स्टूडेंट हैं वो लोग जो है जोन 4 में अप्लाई करने के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, और इन सभी जोनों में भर्ती आई हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जोन 1 में आया हुआ है, जोन 2 में आया हुआ है, जोन 3 में बाद में आएगा, ऐसा नहीं। चार के चारों जोन, जितने भी जोन हैं, आप लोग 4 जोन हैं, सभी जोन में आप लोगों की वैकेंसी आई हुई है। मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दिखाऊँगा और कौन से जोन में कितने वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। बात करते हैं पे स्किल की, पे स्किल में आप लोगों का वेतन जो रहने वाला आया है वो 18,700 रुपये से लेकर जो आई है 49,800 रुपये पर मंथ आप लोगों को वेतन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके फिजिकल टेस्ट में, तो फिजिकल टेस्ट में जो पहला आप लोगों का कंडीशन रहने वाला हाइट की, तो हाइट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट की हाइट जो रहने वाली 160 सेंटीमीटर रहने वाली है। और बात करते हैं चेस्ट की, चेस्ट आप लोगों को 77 सेंटीमीटर रहना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा आप लोगों को, जो कि 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप लोग रनिंग कितने रहने वाली है, तो रनिंग जो रहने वाली है आप लोगों की वो जो है 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ रहने वाली है, जिसके लिए टाइमिंग आप लोगों को जो है 5 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा, 5 मिनट 30 सेकंड ग्रुप 1 के लिए है और 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक ग्रुप 2 में आप लोग आएंगे। ठीक है, और सिटअप आप लोगों को 10 बार करना का, और जो है पुलअप भी आप लोगों, पुशअप भी आप लोगों को 10 बार यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को किन बेसिस पर होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का
पीटी एंड पीएचटी होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, केवल इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड आप लोगों को सारी जानकारी मिल चुकी है। ठीक है, अब बताएंगे हम मैं आप लोगों का जो है कि कौन कौन से जोन में कितने पोस्ट और वैकेंसी निकली हुई है और कब आप लोग इन वैकेंसी में जाकर भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ। 2021-22 की वैकेंसी है जोन वन में आप लोगों का जो है सोल्जर जनरल ड्यूटी में आप लोगों को 150 पोस्ट, क्लर्क में आप लोगों को जो है हाउस कीपर में, चीफ मेस में आप लोगों का, तो इन सभी को अगर मैं मिलाकर अगर बात करूँ तो आप लोगों को 167 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है जनरल ड्यूटी में आप लोगों का जो है ठीक है 132 पोस्ट, क्लर्क में 3, हाउस कीपिंग में 2, चीफ मिनिस्ट्री में आप लोगों का जो है टोटल यहां पर 142 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, लोकेशन आप लोगों के यहां पर देख सकते हैं जो है कलका रहेगा आप लोगों का, यहां पर लोकेशन रहने वाला है रिक्रूटमेंट का। ठीक है, यहां पर आप लोगों का लुधियाना, यदि इन पोस्टों पर अप्लाई करते हैं तो इसका रिक्रूटमेंट जो आप लोगों का होगा वो लुधियाना में आप लोगों का होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर सभी जगह आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर आप लोगों को रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, पलमपुर यहाँ पर है और बीडी बरी यहाँ पर जो है, तो ये सभी आप लोग देख सकते हैं, सभी में आप लोग काफ़ी अच्छी पोस्ट पर वैकेंसी निकालेगी। यहाँ पर टोटल 34 पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इस रिक्रूटमेंट पर आप लोग देख सकते हैं 54 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, सभी जगह आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 54 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और यहाँ पर 88 पोस्ट पर, यहाँ पर 74 पोस्ट पर आप लोगों को वैकेंसी दी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सभी पोस्टों में आप लोगों को वैकेंसी निकाली गई है और किन पोस्टों पर कहाँ पर आप लोगों का रिक्रूटमेंट होना कब होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं 13 तारीख से लेकर जो है 21 अक्टूबर तक आप लोगों का जो है इस जगह पर आप लोगों का रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो आप लोग इस जगह पर 13 तारीख से लेकर 21 तारीख पर जाकर आप लोग जो है इन रिक्रूटमेंट में भाग ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इन वैकेंसियों में आप लोग बिल्कुल भी भाग ले सकते हैं। बात कर लेते हैं जोन टू की वैकेंसी के बारे में, तो जोन टू में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है। यहाँ पर 42 पोस्ट पर, यहाँ पर सॉरी 82 पोस्ट पर, यहाँ पर देख सकते हैं 83 पोस्ट पर वैकेंसी निकालती जाती है। ठीक है, यहाँ पर फैजाबाद की वैकेंसी है, तो आप लोग जाकर जो है फैजाबाद जाकर है 22 तारीख से लेकर 25 अक्टूबर तक आप लोगों की यह वैकेंसी चलने वाली है, तो आप लोग जाकर इन वैकेंसियों में भी भाग ले सकते हैं। मैं नीचे इसका आ जाता हूँ, आप लोग जोन थ्री की वैकेंसी भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो है दार्जिलिंग, जी हाँ दोस्तों, दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 92 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 52 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई। दार्जिलिंग में यदि आप लोग जाते हैं तो 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक वैकेंसी चलने वाली है, तो आप लोग इन डेट को जाकर आप लोग दार्जिलिंग में है वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। साथ साथ जो है अंडमान निकोबार में आप लोगों को 6 नवंबर से लेकर जो है 15 नवंबर तक भर्ती चलने वाली है यह, तो इनमें केवल जो है आप लोग अंडमान निकोबार के ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। बाकी इस वैकेंसी के लिए जो है आप लोग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग जोन थ्री में आते हैं वही लोग, ठीक है, ये नहीं कि सभी स्टूडेंट जोन वन के स्टूडेंट जो है जोन थ्री में नहीं जा सकते हैं, जोन थ्री के स्टूडेंट ही केवल जोन थ्री में अप्लाई करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं जोन फोर्थ की वैकेंसी। जोन फोर्थ में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है बेलगाम में आप लोगों को 41 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और साथ साथ जो है देवलाली में आप लोगों को 63 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। सिकंदराबाद में 72 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई, जो कि आप लोग देख सकते हैं 16 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आप लोग इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि चारों पोस्ट में वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, कब से आप लोगों को इस भर्ती में भाग लेना है, डेट भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों कहाँ पर जो है भर्ती होने वाली उसका भी बता दिया, कितने पोस्ट पर वैकेंसी है और कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आई उसको भी आप लोगों को बता दिया हूँ। साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं EX सर्विस मैन जो है उनके लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं 47, यहाँ पर देख सकते हैं 42 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, और सभी का सभी की जो है डेट भी दिया गया है और कहां पर भर्ती होने वाला उसका भी दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया गया है, उस पर आप लोग क्लिक करके हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर मैंने इस नोटिफिकेशन को पोस्ट किया हुआ, वहाँ से आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर से यहाँ पर जोन वन में कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, जोन टू में कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे, जोन थ्री में कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे, जोन फोर्थ में कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे। तो आप लोग जो है चाहे तो इस
इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अदरवाइज मैं इस पीडीएफ को जो है पोस्ट कर देता हूँ वहाँ अपने टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे रिलेटेड संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। कोई डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।